हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गाइस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मटन करी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने सब काट कर रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है, उसी के साथ में मैं यहाँ पर प्याज 500 ग्राम ले लिया है और उसे काट लिया है। उसके साथ में यहाँ पर आलू भी मैंने 5 से 6 लिए हैं, यानी कि 500 ग्राम मैंने आलू भी ले लिए हैं। और यहाँ पर टमाटर मैंने 5 से 6 लिए हैं। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और यहाँ पर तेज़पत्ता, दालचीनी, उसके साथ में जीरा, काली मिर्ची और बड़ी इलायची भी ले ली है। और यहाँ पर मैंने मिर्ची 5 से 6 लिया, आप अपने हिसाब से, आप जितना तेज़ या कम लेते हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम इसे बनाने। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और इसमें अच्छे से ऑयल डालकर अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो हमने जो खड़े मसाले लिए थे वो अच्छे से इसे हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, यानी कि पका लेंगे। अब इसी में कटे हुए प्याज भी डाल देंगे। तो प्याज को भी हल्का सा गोल्डन होने तक पका लेंगे। अब यहाँ पर हम हरी मिर्ची कटी हुई जो थी वो डाल देंगे इसमें। और इसमें हम मटन भी डाल देंगे। अच्छे से 5 मिनट तक इसे मटन को भी अच्छे से इसी ऑयल में अच्छे से पका लेगी थोड़ा सा। अब इसमें फिर हम कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे उसी में। इसमें सब सूखे मसाले पाउडर डाल देंगे। अब मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया और इसके साथ में गरम मसाला और यहाँ पर मैंने मटर मसाला भी डाल दिया है। सभी मैंने 2-2 चम्मच ले लिए हैं। और यहाँ पर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। नमक आप थोड़ा पहले कम ही डालें, बाद में फिर आपको अगर कम लगे तो फिर आप वापस से डाल सकते हो, लेकिन एक बार में सब ज़्यादा डाल दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए पहले कम ही डालें। तो मसाले को अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर। तो 10 मिनट तक मसाला यहाँ पर भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब ढक्कन लगाकर इसे 20 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मटन अच्छे से पक चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी है तो वो भी इसमें पक जाएगा। अब इसे मैं एक अलग बर्तन में इसे निकाल लूंगी। तो यहाँ पर निकाल लिया है इस तरीके से। इसमें मैंने पानी भी थोड़ा सा डाल दिया है 1 गिलास। अब इसमें हम आलू डाल देंगे।
तो आलू अगर आप पसंद करते हो तो आप डालें, अगर आप नहीं पसंद करते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मेरे घर पर सभी इसे पसंद करते हैं इसलिए मैंने इसे डाला है। यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी भी डाल देंगे ताकि अच्छे से आलू उसमें पक जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर धनिया के पत्ते डाल देंगे काट कर। इसे 10 से 15 मिनट तक पका लेगी आलू बनने तक। तो यहाँ पर बॉईल आ चुका है तो इस तरह से 15 मिनट पका लेगी। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं तो हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है मटन करी की, बहुत ही अच्छी बनी है। तो यहाँ पर मैंने जीरा राइस बनाया है, तो आप इसे जीरा राइस या रोटी के साथ खा सकते हो। यहाँ पर मैंने जीरा राइस जो बनाया है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर, आप इसे जाकर देख सकते हो। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर कोई और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।